एक बहुत बड़ी सुनील पाल, दिलीप सेन और फिल्म इंडस्ट्री के बहुत से लोग यहाँ पर आए हैं। गुजरात से महिला आयोग की अध्यक्ष आई है और बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स पूरे देश से आए हैं। प्लास्टिक का कम से कम यूज़ किस तरीके से की जाए और अपने शरीर पर कोई हानि ना हो, अपने पृथ्वी पर उसका विपरीत असर ना हो, इस पर एक परिसंवाद रखा है। बहुत से लोगों को यहाँ पर अवार्ड देने वाले हैं। इन सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। माय बेस्ट विशेज आर विद यू। सम्मान मिला है पूरे ह्यूमन राइट्स के संस्था का, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और बिल्कुल सही बात है कि बचपन में जो गाना सुना था, अपने भारतवर्ष को सब स्वर्ग बनाए, पेड़ लगाएंगे, फल फूल उगाएंगे, क्योंकि भारतवर्ष को स्वर्ग बनाना स्वर्ग देवताओं का होता है। देवता मतलब हरि, हरि अगर हर तरफ हो, हरि 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 हरि, तो मुझे लगता है धरती का तो स्वर्ग बन जाएगा। जैसे हमारा कश्मीर है, धरती का स्वर्ग है, जैसे पूरा देश ही जो है खूबसूरत, पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल एवरग्रीन शहर। आज मतलब ये कि पर्यावरण के बारे में सब यहाँ पे इकट्ठा हुए, क्योंकि मैं ये ह्यूमन राइट्स में तकरीबन 15 साल से मुंबई का अध्यक्ष हूँ और हमेशा ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन 15 साल से मैं अटेंड नहीं कर पा रहा था। बहुत अच्छी बातें हो रही है कि भाई देखिए पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है, टीम की वजह से बहुत सारा नुकसान हो रहा है, चीज़ें जो है उससे हम भटक चुके हैं। कम से कम हम शुरुआत करें, अपने घर से करें, कम से कम 2-5 पेड़ हम लगाएं, खुद लगाएं, ऐसी सोच करें, ऐसे संकल्प करें। इसके लिए प्रोग्राम रखा गया है, एक अवेयरनेस के लिए है। और चूंकि यहाँ पे गुजरात से भी बहुत से लोग हैं, मुंबई महाराष्ट्र से भी लोग हैं, और चूंकि मैं बहुत एक्टिव हूँ ये सब मामले में, हमेशा काम करता रहता हूँ, तो आज यहाँ पे बहुत से लोगों से मुलाकात भी, लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। ये है कि पर्यावरण पर पूरा पूरा ध्यान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हम किसी भी पेशे में हूँ तो इंसान, चाहे वो आप किसी भी लाइन में हो, लेकिन आपको इंसानियत के साथ साथ ऐसे नेक काम में सपोर्ट भी करना और काम भी करना। मैं 15 साल से राकेश जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मुंबई अध्यक्ष हूँ, और राकेश पांडे जी, मुकेश पांडे जी ये जो काम कर रहे हैं ये बहुत नेक काम है, पूरे हम सब के फायदे का काम है, इसको समझना है। और इनके बुलावे पे इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग, हमारी मेयर मैडम आई हैं गुजरात से, बहुत सारे गुजरात से, मुंबई से, हिंदुस्तान के कोने कोने से, दिल्ली से, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मैं तकरीबन 3 घंटे से यहाँ मंच पे हूँ, राकेश जी को मैं बधाई दूंगा, इनके अंदर जो एक एनर्जेटिक जो पावर है वो इन्होंने दिखाया, और ये हमेशा ऐसे ही करते हैं, लोगों को बढ़ावा देते हैं, लोगों को। हमने इनके साथ गुजराती कम से कम 4 से 5 फिल्मों में ऐसे रोल किया है। फिल्मों में मैडम रोल खतरनाक करता हूँ, इंसान अच्छे हों इसके इसकी 100% गारंटी है। तो यहाँ पे आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं आप सबसे मैसेज यही देना चाहूँगा कि हर आदमी अपने घरों से शुरुआत करे, पेड़ लगाए, और ये जो पोलोथीन है, प्लास्टिक है, इसको अवॉइड कीजिए, कि यहाँ से हम डिसाइड करके जाएं, इस मंच से डिसाइड करके जाएं, क्योंकि इतने देर से हम सब लोग आपके सामने ये सारी बातें कह रहे हैं। और फिर से राकेश जी को, इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, थैंक यू सो मच। राकेश जी क्या कहेंगे? 1 सेकंड मैडम, मेयर मैडम कहेंगे। हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रथम महिला मेयर अहमदाबाद, सीनियर बीजेपी लीडर भावनाबेन दवे जी। नमस्कार, जो सुन रहे हैं सबको, इसलिए कि आज 5 जून पर्यावरण दिवस है, और हम पर्यावरण दिवस के लिए सब में जागरूकता फैलाना चाहते हैं। ये जो प्रोग्रेसिव फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, 20 साल से हमारे भाई साहब राकेश जी को मैं पहचानती हूँ, और कई बार कार्यक्रम में बुलाते हैं, उनके कार्यक्रम जो होते हैं इतने बहुत ही अच्छे मनोरंजन कार्य और इंटरेस्टिंग होते हैं, और कुछ ना कुछ संदेश लेकर आते हैं। तो यहाँ सब कलाकार इकट्ठे हुए और जो संदेश दिया है वो संदेश इतना अच्छा है कि आज हमारे देश को इस प्रकार के संदेश की आवश्यकता है, और ये जो करने का उनको जो मन में आया, इसलिए मैं उनको धन्यवाद करती हूँ। राकेश जी की एनर्जी और उनका जो पूरा यूनिट है, अली साहब बैठे हैं, वो संगीतकार साहब बैठे हैं, सब लोग,
जैन साहब, दिलीप सिंह, ये सब लोग मिलकर इतना अच्छा काम करते हैं तो मुझे अपने देश का भावी अच्छा लगता है। भारत का भविष्य इन सब के साथ जुड़ा हुआ है और मुझे अच्छा लगता है। और जीरो कार्बन का जो माननीय मोदी जी का जो लक्ष्य है वो जरूर पूरा करने में इन लोगों का हिस्सेदारी जरूर रहेंगे। धन्यवाद। राकेश जी, मैं पहले विनोद सिंह जी राष्ट्रीय महासचिव शिवसेना के हैं, मैं उनसे चाहूँगा दो शब्द कहें, उसके बाद मैं कुछ कहूँगा आपसे। नमस्कार, मैं मीडिया की बात करूँ कि मैं राकेश जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मानव अधिकार फाउंडेशन मानव अधिकार की तरफ से यहाँ पे वर्ल्ड ह्यूमन राइट के माध्यम से वर्ल्ड अवेयरनेस डे का जो कार्यक्रम यहाँ किया गया है, इन्वायरमेंट का जो कार्यक्रम किया गया है, इसका संदेश पूरे देश में जाना चाहिए कि एक हरित क्रांति की वो देश आगे बढ़े। और आज जो हमें यहाँ पे देख रहे हैं कि गर्मी लग रही है, तो गर्मी का यही हम कारण है कि यहाँ का पर्यावरण संतुलित नहीं है। जो पेड़ की कटाई होती है, रोड का बाइंडिंग जो होता है, जब भी होता है, जब मोटे मोटे जो ट्री है वो काटे जाते हैं, उसके बदले में वहाँ पे कहीं ना कहीं गार्डन का विकसित होना जरूरी है। तो हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर मोदी जी के भाई आए वहाँ, मैं चाहूँगा आप भी वहाँ पर सभी लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि दो पेड़ लगाएं, एक पेड़ अपने लिए, एक अपने भविष्य के लिए लगाएं, जिससे ये पर्यावरण संतुलित हो। आप बताइए, आज मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, पहले तो आपको अभिनंदन देता हूँ कि 5 जून जो पर्यावरण दिन है उसी दिन देश को जागरूक करने का काम किया है, ऐसे जागरूक करने का काम किया है। तो मैं आज जागरूकता दिन में सभी को, पर्यावरण के दिन में सबको अभिनंदन देता हूँ। हमारे यहाँ भावना बहन आए अहमदाबाद से, उन्होंने संस्कृत में बहुत सारी अच्छी तरह समझाया, विनोद जी ने समझाया, हमारे गुरु जी है उन्होंने समझाया, अली खान जी है, राजेश भाई है, सभी ने जो हमको आज ये कार्यक्रम में हमको बुलाया, हम सबको तहे दिल से उसको शुक्रिया अदा करते हैं। और आज पर्यावरण के दिन आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, आप मीडिया के माध्यम से पूरा देश के अंदर ये मैसेज जाएगा, तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यस, मैं इतना कहना चाहूँगा कि आज तमाम फिल्मी हस्तियाँ, भावना बहन दवे जी, सीनियर भारतीय जनता पार्टी लीडर, सांसद दिलीप सेन जी, अली खान जी, इनका परिचय मैं क्या दूँ, विनोद सिंह जी, मोदी जी के भाई साहब, बर्जी राजवान सुपरस्टार, हिंदू सरकार या स्टार, सब लोग की मौजूदगी में, और आप सब जितने मीडिया प्रेमी लोग हैं, आप लोगों ने इतने मन से जो कवर किया है, मुझे लग रहा था कि प्रोग्राम सक्सेस जाना है। और मुझे ये जितनी आज पब्लिक आई है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री के अलावा एडवोकेट्स भी आए एंड अदर सेक्टर्स के लोग आए, और इंडस्ट्री का यहाँ जूम था, तो आप एक चीज़ सीखो कि किताबों से या तो इंसान सीखता था, एक ज़माना था तुलसीदास का, आजकल पिक्चरों से सीखता है, ये ज़माना आज का है। तो ये फिल्म इंडस्ट्री अगर पौधे के ऊपर पिक्चरें बनाने लग जाए या एक पौधा उगाने लग जाए, और जो आप लोग सुन रहे हो शायद आप लोग भी घर जाके लगाओगे, नुकसान तो है ही नहीं, वो पौधे को जन्म दे के देखो, आपका पुनर्जन्म हो जाता है यार, हम रहते न रहते लेकिन पौधा रहता है, तो आने वाला हमारा बच्चा तो कम से कम सर्वाइव करेगा, यही मैसेज है आज। और प्लास्टिक जो सब्जेक्ट है उसमें ये कहना है कि औरतों को खासतौर मुझे कहना है, एक पैसा, दो पैसा, तीन पैसा आपकी सरकार नहीं लड़ सकती, सरकार के लिए पॉलिथीन पूरी छोड़ दीजिए भाई। और भाई लोग वही बोल रहा हूँ कि चवन्नी अठन्नी बचाने के लिए कि सरकार सबसे लड़ सकती है, जनता से नहीं, सरकार से मांगो, जो मांगना जम के मांगो, जो लड़ना जम के लड़ो, लेकिन जहाँ जरूरत है उसका साथ दी दो, सब कुछ मांगो मत, कुछ देना भी सीखो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, हाईलाइट होगा भाई। नमस्कार, मैं इस मुंबई शहर में आई हूँ, और आज का जो कार्यक्रम था वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, और सबसे ज़्यादा थैंक यू मीडिया को, क्योंकि मीडिया सपोर्ट करती है तभी लोगों तक हमारा जो मैसेज है वो पहुँच पाएगा। तो जो बेसिक है कि प्लास्टिक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम खुद से अगर ट्राई करेंगे, तो एक एक करके सब ट्राई करेंगे, तो ये जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी बात कि पौधे लगाना बहुत ज़रूरी होता है, तो सब लोग एक एक पौधा भी लगाएंगे
तो पॉल्यूशन कम हो जाएगा. सो थैंक यू सो मच. इंदू सरकार सुपरस्टार. मैंने तो मेरे घर पे तो पूरा गार्डन ही है, तो मुझे ये बोलने की जरूरत ही नहीं. मेरे को जानवरों से और मेरे घर में इतने सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं, मैंने पूरा गार्डन बना रखा है. तो सही बात है, जहाँ पे सच में अपने पेड़ होंगे ना, वहाँ पे सच में ठंडक रहेगी. और ये अभी गर्मी हो रही है, उसका रीजन यही है. तो प्लीज एटलीस्ट एक एक पौधा लगाएंगे अपने आप. पौधे होगा, पौधे होगा, पौधे होगा, सृष्टि बचाया. बहुत पॉल्यूशन हो गया.